और स्टूडेंट क्लास 7, कल आपने पढ़ा था कि नंबर्स को किस प्रकार से हम देखेंगे, किसमें, अपोजिट नंबर लाइन में, या हमने देखा कि किस प्रकार से हमने ग्रेटर देन स्मॉलर नंबर देन करें। अब उन्हीं चीजों को एक नया क्वेश्चन आ गया है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े क्रमों में लिखना होगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे -4, -3, -6, -7 एंड 6। तो इसको कैसे लिखो? अभी आप कह देंगे क्यों सर जी, 3 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 4 बड़ा है, उसके बाद 6 बड़ा, उसके बाद 7 बड़ा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परसों हमने आपको यही चीज पढ़ाई थी, कल वाले आपके वीडियो में देखा होगा कि नेगेटिव जितने भी होते चले जाएंगे वो छोटे होते चले जाएंगे। नंबर लाइन में ये शो किया गया था, जैसे ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो -3 और -1 में कौन सा नंबर छोटा है? तो हमने उस दिन बताया था कि -3 छोटा है। क्यों क्यों छोटा है? क्योंकि ये 0 से ये दूर होता जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या देते हैं, उधार लेना, तो दुकान से 3 रुपए उधार कराए, फिर हमें उन 3 रुपए को उधार लेना ही पड़ेगा, तभी तो हम 0 आएंगे, इसका मतलब हमारे नंबर जाएंगे, तो जितने ये छोटे होते चले जाएंगे। तो इसमें हम ये देखते हैं सबसे बड़ा नंबर 7 है, और 7 है कैसा, रिलेटिव, तो -7 ही सबसे छोटा नंबर हो गया। क्यों? लीस्ट टू ग्रेटेस्ट कहलाता है, -7 हो गया। अब देखा -6, फिर -4, तो नेगेटिव वाले हमने 3 लगा दिए। अब आया पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव में जितने आप जैसे चलते हो वैसे चलते जाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमने देखा 3, फिर उसके आगे चलते हैं 6, तो ये आपका लीस्ट टू ग्रेटेस्ट हो गया। तो यहां पर ये कहने का मतलब था कि जितने नेगेटिव होंगे उतने ही छोटे होते जाएंगे, चाहे वो आप ये सोचे यहां माइनस अगर 8 होता तो 8 बड़ा होना चाहिए, नहीं, माइनस का है इसलिए छोटा होगा, क्योंकि माइनस की नंबर लाइन में 6 क्लास में आपने पढ़ा था कि जितने भी हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे वो छोटे बनते चले जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, कंपेयर करना। अब कंपेयर में भी आपके कोई चीज है, तो कंपेयर करेंगे, जैसे कि 35, और ये क्वेश्चन देखो, इसको चीज को पहचानो, ये क्या है, ये साइन एब्सोल्यूट वैल्यू का होता है, इसे इसमें को पढ़ा था आपने, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में ये ध्यान रखना होगा कि या तो नेगेटिव लिख सकते हैं, जैसे नेगेटिव लिख दिया, लेकिन जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन पूरे करेगा तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो हम देखें कैसे 35 और 35, तो आप देख रहे हो 35 35 दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल लगा देते हैं, ये कंपेयर हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही अगला चलते हैं कि -19, -27। अब देखो आप कि इस समय तो 19 बड़ा लग रहा है, क्यों? क्योंकि नंबर लाइन में हमने अभी पढ़ाया था जो भी नेगेटिव होते, जैसे ये -19 है, -27 है, तो -27 हमारा छोटा हो गया। लेकिन जब ये खुलेगा
एब्सोल्यूट वैल्यू को खोलेगा तो ये पॉजिटिव बना दिया। अब पॉजिटिव बन गया तो आप देख रहे हो या माइनस 19 है या प्लस 27, तो प्लस 27 इज ग्रेटर देन माइनस 19। ओके, इस तरह से कंपेयर करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू तो आप पढ़ चुके हैं, फिर मैंने बता दिया। अब ऐसे ही क्वेश्चन हमारा इसमें कि राइट एंड अपोजिट, अपोजिट क्या होता है, बिलोंग। अब जैसे कि ये चीज दे दिया है और इसका अपोजिट बताइए, तो हम कह सकते हैं ये प्लस का अपोजिट है, उसका क्या हो जाएगा अपोजिट माइनस, तो माइनस हो जाएगा। कैसे लिखोगे, लीजिए तो इसका 45 ये प्लस का ही रहेगा लेकिन ये माइनस, लेकिन जब दोनों वैल्यू में जाएंगे तो खुलकर तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो जिसका अपोजिट हो गया। अब एक क्वेश्चन और आएगा एक नंबर का, इसमें लिखा है कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट लगाना है। कोल्डेस्ट मीन्स कहते हैं ठंडा, तो ठंडा का मतलब सबसे कम टेम्परेचर, तो जो सबसे कम टेम्परेचर होगा, अब जैसे अभी नंबर लाइन में देखा था माइनस, अब इसके अंदर है मार्च के महीने में माइनस 72 है, अप्रैल में 84 है माइनस का, मई में 86 है, तो जो भी नंबर सबसे बड़ा, जैसे सबसे बड़ा इसमें माइनस 90 है, तो माइनस 90 आपको उसमें लिखना पड़ेगा। जब ये आप पेज लिखेंगे उसमें ये क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। अब 9 क्वेश्चन को हम करा दे रहे हैं। नंबर 9 ये भी आपने आप क्लास 6 में देखी थी, 6 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 को देखोगे तो किस तरह देखेंगे, ठीक है, देखते हैं 6 एक नंबर लाइन बनाओ, 0 लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह लिख दिया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अब देखा 6 प्लस 2 इज ऊपर टू कितना होता है 8, हम यहां पर 0 पर खड़े हैं तो 0 से हम कहां पर जाएंगे, पहले 6 पर ये आ गए, और 6 से हम यहां कहां पर जाएंगे 2 घर जो ना है 6 पर आ चुके, तो 1 और 2 8 पर पहुंचे, पहले हम प्लस 6 पर आए फिर प्लस 2 पर, क्यों आपने पहले 6 देखा था तो 6 पर फिर 2 फिर 2 इस तरह से दोनों को मिला दिया हम 8 पर पहुंच गए। तो ये आपको 9 क्वेश्चन हो गए, तो आज 5 क्वेश्चन ही आप करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे कि जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइप्स बहुत से हैं, ओके, और ये रजिस्टरों में आपको करके रखना है, तो कल ये हम चेक करेंगे आपका ये 5 क्वेश्चन करके लाने हैं।